नमस्कार दोस्तों, स्वप्न की रहस्यमय दुनिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे और माता रानी आप लोगों की झोलियों को सदा भरी रखे, चाहे वो धन दृष्टि से हो, स्वास्थ्य दृष्टि से हो या फिर व्यापार की दृष्टि से। सभी दृष्टियों से सुख समृद्धि का वास हो आपके घर में। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि सपने में अगर आप ग्रास होपर, जिसको हिंदी में टिड्डी बोलते हैं, उसको देखने का क्या अर्थ निकलता है, इसके संकेतों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना हुआ है। क्रमानुसार वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी, जिसे हम धरती माँ भी कहते हैं, बनी है, उन्हें हम भौतिक शरीर की भी रचना हमारा हुआ है। स्वप्न ज्योतिष शास्त्र या ड्रीम एस्ट्रोलॉजिस के अनुसार अगर आप सपने में टिड्डी देखते हैं तो दोस्तों, यह आने वाले भविष्य में आपकी परेशानियों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, आपके जीवन में चाहे वो स्वास्थ्य दृष्टि से हो या व्यापार की दृष्टि से, इसमें कमी आने वाली है, इसकी ओर संकेत करता है। चाहे वो छोटी मोटी बीमारी हो या फिर आर्थिक कमी हो, उसमें आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस तरह का सपना जो होता है वो अच्छा सपना नहीं माना गया है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बुरे सपने आते हैं तो आप सुबह उठकर अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कीजिए, जिससे हमें हमारे सपने के जो बुरे प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, इष्ट देवी देवताओं का पूजा करना भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक माना गया है, जो हमारे शरीर में एक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने घर में जहां आप तुलसी का पेड़ लगाए हुए हैं, चाहे वो गमले में हो या आंगन में हो, तो वहां जाकर भी सुबह उठकर आप अपने बुरे सपने के बारे में बता सकते हैं, जिससे आपके बुरे सपने का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई सपनों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।